नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का फरवरी में आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने पर फोकस किया जा रहा है। यूपी में देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश की बदलती हुई छवि को रोड शो के जरिए प्रचारित किया जाएगा, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री विदेश जाएंगे और विदेश दौरे की शुरुआत 16 नवंबर को होगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। वर्ष 2023 में 10 से 12 फरवरी होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। यूपी में एफडीआई पर रहेगा फोकस। प्रदेश को ब्रांड प्रदेश बनाएगी यूपी सरकार। सीएम योगी विदेशों में करेंगे रोड शो। यूपी बनेगा वैश्विक निवेश का केंद्र। भयमुक्त औद्योगिक वातावरण देगी यूपी सरकार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने पर फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। यूपी में देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश की बदली हुई छवि को रोड शो के जरिए प्रचारित किया जाएगा, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री विदेश जाएंगे और इनके विदेश दौरे की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए 16 नवंबर से सीएम योगी और उनके मंत्री विदेश के दौरे पर रहेंगे। हालांकि सीएम योगी का विदेशी दौरा 3 दिसंबर के बाद ही होगा। इस दौरान सीएम योगी विदेश में रोड शो भी करेंगे। गुजरात चुनाव की वजह से मुख्यमंत्री का दौरा देर से होगा, जिसके कारण सीएम योगी की विदेश यात्रा की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। अपने विदेश दौरे पर सीएम योगी लंदन, न्यूयॉर्क, डॉलेस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को में रोड शो करेंगे। डिप्टी सीएम समेत कई कैबिनेट मंत्रियों के दौर की लिस्ट तैयार हो गई है, जबकि सीएम ब्रजेश पाठक और मत्स्य मंत्री संजय निषाद 8 से 12 दिसंबर तक मैक्सिको और ब्राजील के दौरे पर रहेंगे। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय 1 से 5 दिसंबर तक नीदरलैंड और पेरिस के दौरे पर रहेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान 1 से 5 दिसंबर तक यूएई में दौरे पर रहेंगे, जबकि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद 7 से 15 दिसंबर तक जर्मनी और स्वीडन के दौरे पर रहेंगे। तो उधर स्पीकर सतीश महाना और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक कनाडा और अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और श्रम मंत्री अनिल राजभर 15 से 20 दिसंबर तक मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और शहरी विकास मंत्री एके शर्मा 16 से 22 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और थाईलैंड के दौरे पर जाएंगे। तो उधर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 18 से 23 नवंबर तक जापान के दौरे पर जाएंगे, जबकि प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 18 से 23 नवंबर तक जापान के दौरे पर जाएंगे। तो वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य 23 नवंबर को इसराइल के दौरे पर रहेंगी। इस रोड शो के दौरान कौन कौन सा मंत्री किस सेक्टर में निवेश लाने के लिए बात करेगा, इसके लिए सेक्टर भी निर्धारित कर दिए गए हैं। हर रोड शो में 2 मंत्रियों के साथ अधिकारियों की टीम होगी। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन फरवरी 2023 में होना है। गौरतलब है कि प्रदेश को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ निवेश प्रोत्साहन का एक पूरक ढांचा आवश्यक है। इसके लिए रणनीतिक क्षेत्रों, साधनों एवं अन्य प्राविधानों को रेखांकित करते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए एकीकृत निवेश प्रोत्साहन ढांचा विकसित किया जाएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं
क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।